नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है और इसका असर दिल्ली तक देखा जा सकता है। सियासी सरगर्मियों के बीच बीजेपी सूबे में अपना राजनीतिक संन्यास टूटने की उम्मीद कर रही है। हिंदुत्व के हिमायती अब नए तेवर के साथ जनता के बीच जाने का मन बना चुके हैं। यूपी में भाजपा के रहनुमा केशरीनाथ त्रिपाठी ने आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की हैं? इसी पर चलेगा आज उनसे सवाल जवाब का दौर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी का राजनीतिक सफर 1977 में शुरू हुआ, जब वो विधानसभा सदस्य चुने गए। 1987 से 1989 तक वो अलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 1989 से 1991 तक उन्होंने फिर से खुद को जनता का नेता साबित किया। 1991 से 1992 में उन्होंने विधानसभा में दस्तक दी। 1991 से 1993 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 1993 से 1995 में विधानसभा चुनाव में वो निर्वाचित हुए। 1996 से 2002 तक वो एक बार फिर विधायक रहे। मई 2002 से मार्च 2004 तक वो दोबारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने। 2004 में वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। उत्तर प्रदेश में चुनावी महासंग्राम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर में ही घमासान से उबरने की कोशिश कर रही भाजपा को विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत कुछ करना है। हालांकि हाल ही में हुए निकाय चुनाव के परिणाम भगवा ब्रिगेड के लिए खुशफहमी का बहाना हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपना खोया जनाधार पाना है और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए पार्टी को तमाम दुश्वारियों से गुजरना होगा। यूपी में पार्टी के मुखिया केशरीनाथ त्रिपाठी को जश्न मनाने का मौका मिला, जब निकाय चुनावों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि विधानसभा चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन केशरीनाथ त्रिपाठी पंचायत चुनाव की तरह ही बेहतर नतीजों की उम्मीद जाहिर करते हैं। अभी जो निकाय चुनाव हुए उसमें जो बीजेपी की परफॉर्मेंस रही उसको लेकर बीजेपी उत्साहित तो बहुत है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही ट्रेंड रहने वाला है, आप कैसे मानेंगे? निश्चित रूप में विधानसभा के चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस इससे ज्यादा अच्छी होगी और उन्हें एक और जहां हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह हमारी नीतियां हैं, दूसरी ओर सरकार के नकारात्मक पहलू भी हैं, तो उन सब का लाभ हमें मिलेगा और हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सरकार के नकारात्मक पहलू की आप बात करें, किस तरह की पहलू? जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर हिंसा है, खराब कानून व्यवस्था है, अराजकता है, पक्षपात है, जातिवाद है, इन सब से जनता ऊब चुकी है और ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पक्ष में जाएंगे। बीजेपी की जीत संगठन के लिए बेहतर संकेत है, लेकिन इसके पीछे भी राजनीति हावी रही। हाईकमान से जुड़े लोग इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ की सफलता से जोड़कर देखते हैं, तो केशरीनाथ त्रिपाठी का मानना है कि ये कार्यकर्ताओं की पहली जीत है। चुनाव के जो रिजल्ट्स है उसका श्रेय किसको देंगे? देखिए, इसका श्रेय मैं सबसे पहले कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई है, कार्यकर्ताओं ने सत्ता के दुरुपयोग के प्रति खड़े होने की शक्ति दिखाई है और इसलिए मैं तो सारा श्रेय कार्यकर्ताओं को देता हूं। लेकिन श्रेय राजनाथ जी को दिया जा रहा है? देखिए, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। सेना जब कभी भी लड़ती है, लड़ता सिपाही है, लेकिन श्रेय हमेशा कमांडर को मिलता है। इसलिए अगर राजनाथ जी को श्रेय दिया जा रहा है तो बहुत ठीक है, लेकिन उस श्रेय के पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति है। पार्टी की चुनावी जीत में तो अहम भूमिका कार्यकर्ताओं की ही होती है। सार्वजनिक रूप से ये बात कहकर केशरीनाथ त्रिपाठी आगामी चुनावों में भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना चाहते हैं। शायद इसलिए जीत के किरदारों का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। निकाय चुनाव के स्कोर बोर्ड को देखकर खुश होने वाली बीजेपी के लिए बहुजन समाज पार्टी नाम की चुनौती पहले से ही कम हो गई थी। हालांकि केशरीनाथ मानते हैं कि बसपा उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। साथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के सारथी कल्याण सिंह की सरपरस्ती में उन्हें चुनावी लड़ाई मंजूर है। निकाय चुनाव में भाजपा की जीत को सियासी गलियारों में अपने अपने नजरिए से देखा जा रहा है। ये बात भी अहम मानी जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी के मैदान में न होने से भाजपा या कांग्रेस की राह आसान हुई है, मगर केशरीनाथ ऐसा नहीं मानते। क्या माने कि बीजेपी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी इसलिए रही या कांग्रेस की भी परफॉर्मेंस बेहतर इसलिए रही क्योंकि बसपा मैदान में नहीं उतरी? बसपा ने ऊपर से तो घोषित कर दिया था कि हम चुनाव चिन्ह नहीं देंगे किसी उम्मीदवार को, चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन बसपा के समर्थित उम्मीदवार थे और उन्होंने जम करके मायावती जी के पोस्टर्स का प्रयोग किया। बसपा के जो नेता हैं प्रदेश स्तर के, वो गए चुनाव प्रचार में,
तो ये तो कहना सही नहीं है कि बसपा चुनाव मैदान में नहीं थी। बसपा चुनाव मैदान में थी और जम करके थी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। नहीं नहीं, मायावती का ये स्टेटमेंट आता है कि जो बीजेपी और कांग्रेस को वो लाना चाहती थी आगे थोड़ा, और समाजवादी पार्टी को पीछे धकेलना चाहती थी। नहीं, नहीं, ये मायावती का एक कूटनीतिक बयान है जो सत्य नहीं है। मायावती अपनी पराजय को छिपाने के लिए इस प्रकार की बात कर रही है, उनका कोई आधार नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक साल में अपने ही घर में तमाम मतभेद और विवादों का दौर देखा है। यूपी संगठन में भी तीन साल में बदलाव के कई दौर देखने वाली पार्टी की मौजूदा हालात को लेकर केशरी नाथ सहमत हैं। इसमें कल्याण सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात भी शुमार है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आप संगठन के तौर पर देखें तो कितनी एकजुट है? बहुत एकजुट है। भले ही कुछ लोग ये प्रचार करें कि बीजेपी में नेताओं में मतभेद है, कुछ है, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता एकजुट है। कल्याण सिंह को हमारे में कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम चुनाव जो लड़ेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उनकी अगुवाई में लड़ेंगे। वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और हमने उनको प्रोजेक्ट भी किया है कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपके परफॉर्मेंस से कहीं नाखुश है बीजेपी? नहीं, ये बल्कि उल्टा है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारी परफॉर्मेंस से बहुत प्रसन्न है। केशरीनाथ त्रिपाठी भले ही नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों को अपने बयानों से खारिज कर दें, लेकिन सवाल आगामी चुनाव में भाजपा की हालत का है, क्योंकि पार्टी की हालत बेहतर रही तभी संगठन में उनका ताज सलामत रह सकेगा। उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाने का करिश्मा बीजेपी काफी पहले कर चुकी है, लेकिन अब दौर है गठबंधन का। यूं तो बीजेपी भी गठबंधन सरकार का कड़वा तजुर्बा ले चुकी है, लेकिन अब इस पर क्या मानती है पार्टी, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।